डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर आज आपके लिए लाया हूँ क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर है रैशनल नंबर्स, उसमें एक कॉम्पिटेंसी है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स तो 2/3। 2/3 एक रैशनल नंबर है। हमने कुछ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने हैं जो 2/3 के बराबर है। तो कैसे हम बनाते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। एक एग्जाम्पल, यानी फर्स्ट जो रैशनल नंबर होगा इसका, यानी जो पहला रैशनल नंबर हम बनाने जा रहे हैं विच इज इक्विवेलेंट 2/3, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू ए गिवन नंबर इज फॉर्मड बाई मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर टू द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर। तो इसका क्या मतलब है, जब हमने एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है किसी भी रैशनल नंबर का, तो हमने किसी नंबर से इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो तब जाके जो दूसरा रिजल्टिंग नंबर हमारे पास होता है, दैट नंबर इज इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों चीजों को। जैसे 2/3 यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से न्यूमरेटर को भी और 2 से डिनोमिनेटर को भी। तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारा होगा 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। तो 4/6 जो हमारा दूसरा रेशनल नंबर बना, ये 2/3 के बराबर ही है। तो वी कैन से 4/3 इज इक्विवेलेंट टू 2/3। सिमिलरली, अगर हम 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी, जैसे इस तरीके से 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, दैट मीन्स 2 3 जार 6 एंड 3 3 जार 9। तो 6/9 हमारे पास और एक रैशनल नंबर बना जो विच इज इक्विवेलेंट टू 2/3। आगे जाके हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्टिंग नंबर होगा दैट इज 8/12। तो इसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा 10/15। तो इस तरीके से जो ये नंबर्स बने हमारे पास, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, तो यही नंबर्स, इससे इसके बगैर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी किसी और नंबर से, तो आपके पास और भी नंबर आएंगे। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टू द रैशनल नंबर 2/3। उम्मीद करता हूँ आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू।